आप में से कोई ट्रेनर बनना चाहता है? आपको बनने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी हो। यहाँ आए, आजे आजे आजे। अपना नाम बताइए, अपनी एजुकेशन बताइए और अपने आप को इस जंगल में मौजूद किसी एक ऑब्जेक्ट से रिलेट करें। मिसाल के तौर पे कैसे रिलेट कर सकती हैं? मैं पानी हूँ झरने का, जहाँ जाती हूँ शराब करती हूँ, फूल उगते हैं, दरख्त उगते हैं, लोग पीते हैं, जिंदा रहते हैं, पानी में ऑक्सीजन है, जिंदगी है। मैं अपनी फैमिली में ऑक्सीजन की तरह हूँ, जिंदगी की तरह हूँ, पानी की तरह हूँ। मुझे जिस शेप में डालो मैं ढल जाती हूँ, फ्लेक्सिबल हूँ, अडेप्टिव हूँ। पानी की खसूसियात अगर आप में है तो आप कह दें मैं पानी हूँ। दरख्त, रोशनी, चांद, सूरज, जो आपको लगता है जिसकी खसूसियात आप में है सबसे ज्यादा, उसको आपने रिलेट करना है। लेकिन पहले अपना इंट्रोडक्शन कराएं। थोड़ा ऊंची आवाज में, इनको आवाज नहीं आ रही लाउड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह फूल नाजुक होते हैं, मैं भी वैसे नाजुक थी। और जिस तरह फूल सबको पसंद है, इस तरह मुझे ऐसा लगता है, मैं चाहती हूँ अगर ऐसा नहीं है कि मैं हर किसी को पसंद आऊँ। आप ये बताएं कि इनमें कॉन्फिडेंस है? ये बात कर सकती हैं? अल्फाज का चुनाव ठीक है? आई कांटेक्ट किया इन्होंने? बॉडी लैंग्वेज ठीक है? पसीने नहीं आ रहे, टांगे नहीं कांप रही? तो इसका मतलब है कि स्टेज वन इन्होंने कंप्लीट कर ली। तो बनने की जरूरत नहीं है, इंसान जो कुछ बन सकता है खुदा ने बना के भेजा है उसको। ये चीज हम जब नहीं मानते तो हम स्ट्रगल करते रहते हैं, हम उस चीज की तलाश में हैं जो हमारे अंदर है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा कभी प्लीज तशरीफ रखिए, इनके लिए तालियां बजाइए जोरदार। तो आपने कभी अपने माइंड में ये डाउट नहीं आने देना कि मैं कुछ नहीं बन सकती। अगर ऐसा सोचेंगे हम आपसे एग्री करेंगे, और अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं ये करना चाहती हूँ कर लूंगी, हम एग्री करेंगे और सपोर्ट करेंगे दोनों सूरतों में। आप कहोगे मैं नहीं कर सकता, हम कहेंगे ओके वेरी गुड, हम जबरदस्ती नहीं कराएंगे। आप कहेंगे मैं करना चाहती हूँ, मैं कर लूंगी, हम कहेंगे बताओ क्या हेल्प चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज की अपनी वीकनेस को ओवरकम करना पड़ता है। मैं कहता हूँ वीकनेसेस को ओवरकम करने की बजाय सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें, स्ट्रेंथ बढ़ाएं अपनी 1 से 3, 5, 6। और अगर स्ट्रेंथ है 1 तो उसको पॉलिश करने की जरूरत है, हॉन करने की जरूरत है। हॉनिंग मीन्स कि आप एक चीज को सुपर फिनिश करते हो, तराशते हो, आप हीरे को काट के सही मानों में उसको हीरा बनाते हो। तो हर शख्स में होती हैं खामियां और खूबियां। आप पहले अपनी खूबियों को पहचानें, जब आप अपनी खूबियों को पहचानेंगे खामियां कम हो जाएंगी, खामियां ओवरकम नहीं कर पाएंगी आपके टैलेंट को। तो आप जब खूबियों पे काम करेंगे ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट शाइनिंग, और लोग कहेंगे वेरी गुड यार ये बच्चा तो बहुत अच्छा है। फिर आपको वहां से एम्पावरमेंट मिलेगी और फिर आप कहोगे अच्छा ठीक क्या करना है, फिक्स क्या करना है। याद रखें, अगर आप एक बहुत मशहूर कोट है इंग्लिश का, मैं एज इट इज कोट करता हूँ, वो कहते हैं इफ यू आर रिपेयरिंग ब्रोकन मैन यू माइट हैव मिस्ड बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर चिल्ड्रन। आपकी और हमारा ब्रॉटअप वैसा हुआ है क्या जैसा मोहम्मद का हो रहा है? हमें रिपेयर करना पड़ेगा ज्यादा, शायद उसको कम करना पड़े ऑब्वियसली। अब आप क्या कर सकते हो, देखो इस वक्त आज हम यहाँ खड़े हैं, कौन सी तारीख है आज? अगस्त की 13। 13 अगस्त 2022 से पीछे वाली लाइफ चेंज हो सकती है, आगे चेंज हो सकती है। 100% आपके पास चांस है कि आने वाला एक एक दिन आप चेंज कर सके। और एक बात याद रखिएगा, आप कभी भी फ्यूचर में गुनाह नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला का खास तोहफा है इंसानों के लिए, फ्यूचर में गुनाह नहीं कर सकते। इसका मतलब फ्यूचर ब्राइट है ऑलरेडी। तो आप क्या कर सकते हो, रियलाइज करें मुझे क्या ठीक करना है, क्या बेहतर करना है, कहाँ से पिकअप करना है और मैंने अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आपके सवाल से रिलेटेड, हार्वेस्ट किसको कहते हैं? फसल काटना। फसल कौन काटता है? फसल काटने के लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट है? बीज बोना। आप यहाँ पे रास्ते में हमें
कुछ फसल के खेत नजर आए छोटे छोटे, आप वहां जाएं और बोलें, जमीन को बोलो मेरे लिए पोटैटो उगाओ, मुझे चाहिए। वो क्या कहेगी जमीन, ओ पागल जाओ पहले बीज लेके आओ, मुझ में बीज डालो, मेरी केयर करो, फिर मुझसे जो मांगोगे जो डालोगे उसके मुताबिक जो मांगोगे वो मिलेगा। विश करने से हार्वेस्ट नहीं कर सकते आप, आई विश कि मेरा एक मैंगो का बाग हो, नहीं, यू नीड टू डिजर्व इट। और डिजर्व कैसे करोगे, फर्स्ट यू नीड टू प्लांट इट। और प्लांट क्या कर सकते हो आप अपने अंदर, कौन कौन से बीज अपने अंदर आप बो सकते हैं, पेशेंस, स्ट्रेंथ, पॉजिटिव माइंड सेट और कॉन्फिडेंस का बीज, इंटेग्रिटी। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, इनके लिए तालियां बजाइए। पता क्या, आप 16 साल 18 साल 22 साल की उम्र में ऐसा नहीं है कि प्लेन पेपर लेके घूम रहे हो, आपकी जिंदगी की किताब पे बहुत कुछ लिखा जा चुका है जो आपने पढ़ा, सीखा, सुना, देखा, लेकिन आपने उसमें से कितने परसेंट को सही मानों में इम्प्लीमेंट किया, 1%, 2, 3, 4, 5, उसको 70% पे अगर आप ले जाओ, 50, 60, 70, आप फिर देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। एक सिंगल कोटेशन वाले जरिए कहते ना, एक कॉल पकड़ लें कोई, आप एक कोटेशन पकड़ लें, एक कॉल को अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट कर ले, आप उस शख्स से 1000 गुना आगे निकल जाएंगे जिसने 100 किताबें पढ़ी होंगी, एक सिंगल कोटेशन। ऐसे ही सोचते हैं, काबिलियत और सलाहियत दोनों में फर्क क्या है, आप में से इंटेलिजेंट कौन है, बाकी बाकी ने मान लिया गया मैं नहीं है, क्यों कह दे कि मैं भी हूँ। काबिलियत और सलाहियत में फर्क क्या है, एक कर सकते हैं और एक बेहतर कर सकते हैं, स्किल्स सलाहियत होती है और काबिलियत पोटेंशियल होता है। आपका क्या नाम है, मेहरुन निसा के लिए तालियां बजाए। पोटेंशियल का वर्ड इन्होंने यूज किया, याद रखें परफॉर्मेंस देखी जाती है, पोटेंशियल हिडन होता है, हमेशा मेजर की जाती है परफॉर्मेंस, पोटेंशियल मेजर नहीं किया जा सकता, हिडन है। हमेशा पोटेंशियल के साथ एक लफ्ज आता है हिडन पोटेंशियल, वो क्यों हिडन है, जिस दिन एक्सप्लोर हो जाएगा परफॉर्मेंस में बदल जाएगा। और काबिलियत और सलाहियत का फर्क समझ लें, काबिलियत और सलाहियत में साफ साफ फर्क यह है कि सलाहियत जो है इंसान इस दुनिया में लेके आता है, काबिलियत दुनिया में पैदा की जाती, बनाई जाती, बेहतर की जाती है, सलाहियत दुनिया में नहीं बनती, सलाहियत पैदा होने से पहले बनती है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ, ये हाथ अगर कट जाए तो आप आर्टिफिशियल हाथ लगा सकते हो ना, उगा के दिखाओ, ये हाथ का उगाना काबिलियत है विच इज नॉट पॉसिबल इन दुनिया। तो जो आपने आर्टिफिशियल हाथ लगाया वो काबिलियत के अंदर शुमार होगा, काबिलियत ऑब्सोलीट हो जाती है, सलाहियत ऑब्सोलीट नहीं होती, बनती बनती सवरती बिगड़ती रहती है काबिलियत, सलाहियत कभी भी ऑब्सोलीट नहीं होती। और काबिलियत हमेशा आप देखें फिजिकल होती है, बहादुरी काबिलियत है या सलाहियत, सलाहियत और याद रखे काबिलियत का सबूत होता है, सलाहियत का इजहार होता है, बहादुरी का इजहार होगा। आप कहोगे कितने बहादुर हो, आओ शेर से लड़ो, चलो दिखाओ, दो लोग आपस, सलाहियत जो है मेजरेबल नहीं है और काबिलियत मेजरेबल है कह सकते हो। तो आप क्लैरिटी बन रही है जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपने अपना पोटेंशियल यानी सलाहियत एक्सप्लोर करनी है और आपने 1% भी कर लिया ना तो फिर आप बिल्कुल डिफरेंट शख्स बन जाएंगे। इसलिए काबिलियत दिखा रहे, सलाहियत को उजागर करें, ढूंढें अपने अंदर। उसकी एक और मिसाल देता हूँ, अभी शुरू में वहां बैठे हुए बात हो रही थी, नुसरत फतेह अली खान से बेहतर कोई कवाली या कलाम गा सकता है, आज मान ले वो जिंदा है। और एक होता है गिफ्ट, सलाहियत गिफ्ट होती है और काबिलियत आपका पैशन हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि मैं नुसरत फतेह अली खान से बेहतर बनना चाहता हूँ गुलूकार या जो भी वो कहते हैं आप उनको सिंगर, और मैं राहत फतेह अली खान को हायर करता हूँ 1,00,000 रुपए पर डे पे, और मैं कहता हूँ मुझे सिखाओ डेली सुबह उठ के क्या होता है रियाज, और मैं 1 साल में मुकाबला करूंगा नुसरत फतेह अली खान साहब से और मैं जीत के दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरा पैशन है। नुसरत फतेह अली खान का पैशन नहीं है, गिफ्ट है, अल्लाह ताला ने उनको दे के भेजा इस दुनिया में और उन्हें रियलाइज हो गया और उन्होंने उसको अंडरस्टैंड कर लिया और उससे काम किया और पॉलिश कर लिया। मैं दोबारा पैदा होके भी उन जैसा गुलूकार
और नुसरत फतेह अली खान साहब को कहो आप अकाउंटेंट बने, बहुत स्कोप है इसमें, क्या करेंगे? सीए में एडमिशन ले लेंगे सीए करके भी। इसलिए आप कभी पैशन पे ना जाएं, गिफ्ट फाइंड आउट करें अपना। और वो फाइंड आउट करने के तरीकों में एक तरीका ये भी है जो आज आप कर रहे हो, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जैसे आज निकले हुए हो, कोशिश की ऊपर जाने की, गए काफी हद तक, वापिस आए, सीखा, अगली दफा आओगे प्रिपेयर्ड हो गए। क्या लेके आओगे बैकपैक में, क्या लेके आओगे? फ्रूट, पानी, चॉकलेट, ड्रिंक, कपड़े, उसके अकॉर्डिंगली शूज, कराची की बिरयानी, कराची बिरयानी। तो आपके पास चांसेस ज्यादा होंगे जाने के, प्लस आप टाइम पे निकलोगे, आप मौसम के लिए प्रिपेयर्ड होगे। तो आपने क्या किया, कंफर्ट जोन से बाहर आए, नई चीजें सीखी। तो कोई और सवाल पूछना चाहें तो बताएं। गिफ्ट को इसमें इसमें मैं ऐड करूंगा, गिफ्ट को कैसे पहचानेंगे? मतलब कि होन करते रहो, आप होन कैसे करें और मैं कैसे पता चलेगा कि एक लाख रुपए वाला होन हो गया या 10 लाख? मैंने जब पहली दफा कहीं ऐसे खड़े होके बात की थी तो सारे सो गए थे सो गए थे लिटरली, मुझे भी नींद आ रही थी। मेरे सामने डॉक्टर्स बैठे थे, फूड डॉक्टर, फूड कंपनी जो चूजों की खुराक बनाती है ना, फीड मिल, वहाँ पढ़ाने गया मैं 2009 में। डॉक्टर्स बैठे, प्रेजेंटेशन चल रही, मैं बोल रहा हूँ, सो गए 8-10 डॉक्टर्स सो गए। मुझे भी नहीं, और मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही नहीं पढ़ा पा रहा था। तो बाहर निकल के उस कमरे से मैंने डिसाइड किया, नहीं करना आज के बाद, यहाँ सही करना है, क्योंकि अंदर से आवाज आई कि करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इतना ज्यादा दफा किया, इतना ज्यादा दफा किया, इतना ज्यादा दफा। आप देखो पहले दिन गाड़ी चलाते हो तो कितना कॉन्शियस होके चलाते हो, एक साल बाद आप क्या होगा, आप एक हाथ से एक आंख बंद करके चला रहे हो, आपके वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। ट्रेनिंग हो, अकाउंटिंग हो, कोई भी पब्लिक स्पीकिंग कुछ भी है, उसमें क्या होता है, जब बार बार करते हो ना, फिर तैयारी करने की जरूरत नहीं होती, अपनी अपनी फील्ड के आप इमामत बन जाए, आप न्यूरोसर्जन बन जाए, आप ट्रेनर बन जाए। और जो भी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं उसका एक टिप है, आप उस फील्ड में किसी ना किसी को पढ़ाने लग जाए। पढ़ाने से जो सीखते हैं ना, आज के सारे लेक्चर में जो मैं सीखूंगा आप नहीं सीखोगे। जी मैम, जब तक आप अपने शौक तक नहीं पहुंचते तब तक जो मिल रहा है सीखें, जो सीख सकते हैं सीखें। इवेंचुअली सीखने के बाद जब काम करोगे ना तो आपको लगेगा ये काम नहीं सही, ये मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, इसमें मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो और क्या करें, फिर माइंड चलेगा क्या करें, मुझे ये पसंद है ये करो। दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। प्रोग्रामिंग नहीं है कि आपने नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया नई लाइफ शुरू हो गई। आपको अगर एक काम कर रहे हैं उसको करते करते ये डिसाइड करना होता है कितना करना है, कब तक करना है और कब जाके स्विच करना है। और वो स्विच करने में आप क्या करते हैं कि आप बाई पार्ट्स एंड बिट्स एंड पीसेस में शिफ्ट करते हैं। साल के तौर पे मैं इंजीनियर हूं, मैंने टेक्नीशियन के तौर पे करियर शुरू किया, फिर मैं मेंटेनेंस मैनेजर लग गया, फिर प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, फिर ऑपरेशन मैनेजर हो गया, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, मतलब फील्ड चेंज करते करते करते, और उन सारी फील्ड का एक्सपीरियंस लेके मैं आज यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं उस वक्त ये सोचता कि नहीं जो वाकई मुझे पसंद है मैं वही करूंगा तो एक्सपीरियंस ना गेन होता। ये आपका रास्ता है। देखे आपने मानसी टॉप तक जाना है, आपको पता था रास्ते में ये आएगा झरना और हमारे पांव गीले हो सकते हैं, तैयार नहीं थे ना। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जब भेजा है तो बगैर तैयारी के भेजा है आपको, और रास्ते में हिंट दिए, किताब अपनी भेजी, लोग भेजे, चीजें करते करते आपको गाइडलाइन दी। दुनिया की गाइडलाइन नहीं दी, आखिरत की दी। क्राइटेरिया है तकवा और परहेजगारी। दुनिया में आप कामयाब होना चाहते हो, क्या क्राइटेरिया? बिलावल भुट्टो का क्या क्राइटेरिया अमीर होने का बताओ? क्योंकि वो पैदा हो गया उस घर में, और क्या किया उसने? इसी तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा का क्या क्राइटेरिया? क्योंकि वो पैदा हो गई वहां पे। तो आप एक चीज बताओ कि आप सब में से कोई इस काबिल था कि वो अल्लाह को कहता कि मैं इस वालिद के घर पे पैदा होना चाहता हूँ, इस वालदा के घर पे पैदा होना चाहती हूँ, ये भाई होना चाहिए मेरा, वो बहन होनी चाहिए मेरी, ये फुप्पो नहीं चाहिए मुझे, ये खाला चाहिए मुझे, ऐसा नहीं है ना। और किसी को पता है कि उसके मरने का टाइम क्या है, कहाँ पे है, रिस्क कितना मिलेगा,
जब ये नहीं पता तो आप कैसे तय कर सकते हो कि आज के साल ही मुझे पता चल जाए कि मुझे क्या अच्छा लगता है। हिट एंड ट्रायल से है ना, सीखने सीखने से है। आप किसी की मदद करो, उसको फाइंड आउट करके दो कि क्या करे वो कि उसकी लाइफ में बेहतरी आए, तो आपको खुद समझ आने लगेगी मैं क्या करूं और क्या प्रॉब्लम है। करते 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 यू फाइंड योर सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। Nobody is entitled to give you the solution of your problem. They can advise you, give opinion based on their own observation and experience. मैंने लाइफ में कुछ किया गलत हुआ, मैंने कहा आप ना करना, आपने किया सही हो गया। आपने डिसाइड करना है when enough is enough for you, for something, particularly कुछ चीज हो उस पर अगर आप ये करना चाहो then you have to take decision, then you can consult with someone. उसको अपना facts and figures सारे दे दें, मैंने ये किया ये किया ये किया, ये result है, वो आपको गाइड कर सकता है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ऑलवेज ट्राई टू बी अ स्टूडेंट नॉट अ फॉलोअर। मेरे मुताबिक जिंदगी ना गुजारो, ना कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझसे सुनो, सीखो, अप्लाई करो, जितना अप्लाई करना है करो, बाकी अपने दिल की बात मानो। एंड पे आप ये ना कहो काश मैंने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी होती। इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव अ मेंटर? 100% 100%। पॉसिबल है, बट एक लेवल आता है जब आप कहते हो कि मुझे कोई मेंटोर नजर नहीं आ रहा, देन यू बिकम योर ओन मेंटोर, बिकॉज यू गो टू द लाइब्रेरी एंड यू रीड अ न्यू बुक, और वो बुक पढ़ के आप कहते हो ओके ये मिसिंग था। किसी की लाइफ स्टोरी पढ़ते हो, बायोग्राफी पढ़ते हो, यू बिकम योर ओन मेंटोर। उस लेवल तक आने के लिए आपको, ताकि सफर आपका जल्दी कट जाए, मेंटोर की जरूरत होती है। जो गलतियां मैंने की हैं आप ना करें, रिस्क लेने में और बेवकूफी में। अभी एक मैंने रास्ते में कोट बोला था, मैंने कहा था नेवर ट्राई टू टेस्ट द डेप्थ ऑफ द रिवर विद योर बोथ फीट। दोनों फीट से टेस्ट करोगे, ये क्या है, रिस्क या बेवकूफी? और अगर एक पांव से टेस्ट करते और पता लगा कि मेरा पांव टच नहीं कर रहा, ये क्या है, रिस्क। कराची अब आपका फेवरेट नहीं है? कराची अच्छा है, कराची के लोग अच्छे है, लेकिन अब मैं लाहौर में इम्यून हो गया हूँ अनफॉर्चुनेटली। तालियां इनके लिए, इन्होंने कहते ना हिटिंग ऑन द नेल। सही सवाल पूछा, कराची इसलिए कि नंबर वन जो मेरा करियर का एक्सपोजर था सबसे ज्यादा वो मुझे कराची में मिला। मल्टी मल्टी कल्चरल सिटी है, रियल सेंस में मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एक ही है कराची बस। तो उस हवाले से वहाँ इतनी नेशनैलिटीज हैं, इतने रिलीजन हैं, इतनी कम्युनिटीज हैं, इतनी सोसाइटीज हैं कि जो वहाँ लर्निंग होती है ना आपके मल्टीकल्चरल प्लेटफॉर्म पे काम करने सीखने की, वो लाहौर इस्लामाबाद में शायद कम होती है।